जगता बाबू में अगर थोड़ा भी स्वाभिमान बचा हो तो उनको तत्काल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह से एक स्वाभिमानी व्यक्ति को अपमानित किया गया, जलील किया गया, बिना उनकी सहमति के उनके बेटे को बर्खास्त कर दिया गया, उनका इस्तीफा ले लिया गया, वैसी स्थिति में जगता बाबू को खुद विचार करना चाहिए कि उन्हें इस पद पर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। क्योंकि जगता बाबू और सुधाकर का स्पष्ट मत था कि कृषि रोड में फेल कर गया। उनका ये मानना था कि बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित किया जाए। तो जगता बाबू, आपका मत और नीतीश जी के मत में जमीन आसमान का अंतर है, क्या एक म्यान में दो तलवार रह पाएगी? तो इसलिए मैं तो आपसे यही अपील करूंगा कि अब आपकी उम्र भी हो गई है, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष पद का को परित्याग कर आप जो करते किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, आपको मैदान में आना चाहिए। और आपको अगर लगता है कि बाजार समिति कानून को फिर से स्थापित किया जाए तो उसकी लड़ाई लड़ें, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा।